बैठी एक बार सभी ने माता के चरणों में हाजिरी कैसे लगा दे दोनों हाथ ऊपर करके सारे बोलो जय माता दी ओ मिलके बोलो जय माता दी ओ भक्तों बोलो जय माता दी मां विष्णु रानी जय माता दी जय कल्याणी जय माता दी जय माता दी चरणों में एक मैं नई भेंट पेश करने जा रहा हूं जो मैंने कोरोना पे लिखी थी कोरोना महामारी बैठ जाओ सर बैठ जाओ बैठ जाओ हेलो आपको कोरोना महामारी की एक जानकारी दूं शायद आपको इसके बारे में क्या पूरे जम्मू ब्रॉन्स को भी अभी पता नहीं कि कोरोना महामारी पहले भी एक बार हुई थी। महामारी 1820 में लगी थी चिंस्कार के बीच लद्दाख में पड़ता है वो तो उस समय ये चांदी की मूर्ति जिस चंडी माता को आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में एक संगमरमर की है एक चांदी की मूर्ति एक काली माता है और उसके साथ जो है पिंडी के रूप में ये है चंडी माता जो प्रकट हुई है स्वयं। तो ये काली की माता की मूर्ति तब चढ़ाई गई थी जब महामारी लगी थी 1820 में जस्कार के देश में तो इनको माता का हुक्म हुआ था कि आप लोगों ने हर घर से एक एक रुपया चांदी का इकट्ठा करना है मेरी मूर्ति बनानी है और मेरे दरबार में पहुंचाने के महामारी खत्म हो जाएगी। बड़ी पुरानी बात है साल 200 साल की बात है तब माता रानी का मंदिर भी नहीं बना था। तो ये भगवती हमने जो अपने पूर्वजों से सुनी क्योंकि हमारी कुल देवी है चंडी माता तो उस समय जब ये मूर्ति मचेल मंदिर में चढ़ाई गई तो कोरोना महामारी खत्म कर दी थी चंडी माता ने। तो सभी कलाकारों ने अपने अपने तरीके से हाजिरी दी किसी ने कहा भाई बाहर नहीं जाओ हाथ धो बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो मास्क का। तो मैंने जो सुना था जो माता रानी ने चमत्कार किया था ये जो मूर्ति है 1000 चूल्हे वहाँ पे तब उस समय थे 1820 में
उन्होंने चांदी का 1-1 रुपया इकट्ठा किया और ये जो मूर्ति बनी है 1000 तोले की है। उस पे मैंने लिखा चंडी माता से विनती की, क्योंकि डॉक्टरों के डॉक्टर, उस्तादों के उस्ताद ये भगवती माता है। तो सभी ने अपना प्रयास किया, मगर मैंने ये विनती की कि चंडी माता, अगर तूने 1820 में महामारी को ख़त्म किया था तो तू अभी भी ख़त्म कर सकती, लेकिन शर्त यह है कि सभी जितने भी श्रद्धालु हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, जहाँ भी पूरा हिंदुस्तान, वर्ल्ड पूरा जो भी जो है इस महामारी से जूझ रहा है, सभी ने अपने घरों में विनती करनी इसके आगे, तो महामारी ख़त्म हो सकती है। तो मैंने यही विनती, यही प्रयास किया है, आपके रूबरू इस भजन को करता हूँ। जब कोरोना महामारी में लॉकडाउन में मैं मचेल चला गया तो मुझे ये मौका मिला वहाँ इस भजन को लिखने का।
ये मेरी नई बहन जो बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी है चंडी माँ। ये चाहे तो ये बीमारी इसके आगे कुछ भी नहीं है, पर अगर ये ना चाहे तो फिर डॉक्टरों की लाइन लगा दो तब भी कुछ नहीं होगा। सभी ने प्रयास किया अभी तक, कभी किसी देश से दवाइयाँ निकल रही है, कभी अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जब तक ऊपर वाला भगवान ना चाहे, ये भगवती देवी ना चाहे, तो ऐसे है। बोलो सच्चे दरबार की, एक और वंदना आपकी रूबरू माता की, चंडी माता की। ये भजन मैंने न्यू एक रिकॉर्डिंग कमिंग सून, तेरे कने रिश्ता पुराना चंडी माँ। बोल सच्चे दरबार की, ताड़ी बजा के हो सके तो नच के हाजिर रहना, वो आप पे डिपेंड करता है। हो तेरे कन रिश्ता पुराना हो, आइया चंडी माँ, तेरे कन रिश्ता पुराना हो।